ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है, चांपाई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। ये आरोप हिमंत बिश्व शर्मा ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि दो लोग उनकी गतिविधि पर नजर रख रहे थे, दोनों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोलकाता से दिल्ली तक चांपाई सोरेन का पीछा किया गया। दोनों युवक झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के दारोगा हैं और दोनों ही दारोगा ने चांपाई सोरेन के होटल के बगल का कमरा बुक किया था और इस मामले में चांपाई सोरेन ने एक केस दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने ये बड़ा आरोप लगाया है और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि चांपाई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, ये बड़ा खुलासा और बड़ा आरोप झारखंड सरकार पर, पुलिस पर, सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का कि चांपाई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। बिल्कुल, असली अगर हम बात करें झारखंड सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपेन सोरेन के भाजपा जाने के साथ ही कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बड़ा आरोप झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार पर लगाया है। असम के मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि चंपाई सोरेन की रेकी की जा रही थी, साथ ही झारखंड से दिल्ली तक उन दो लोग उन पर नजर बनाए हुए थे। उस दौरान एक महिला के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने की भी तैयारी थी, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा ने यह भी कहा कि चंपाई सोरेन रांची से कोलकाता पहुंचते हैं, कोलकाता से फिर दिल्ली आते तो उनका पीछा किया जा रहा था। एक ही फ्लाइट में दोनों की रेकी करने वालों को जिस तरीके से जहां भी होटल में रुकते थे उनके बगल के ही कमरे के बराबर में वो लोग अपना कमरा लेते थे, एक एक मूवमेंट पर जानकारी रखी जा रही थी। जब दोनों की गतिविधियां संदिग्ध देखा गया, पूछताछ की गई, तो दोनों ने खुद को पत्रकार बताया। जब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, खुलासा किया, तो दोनों ही युवक झारखंड पुलिस के क्राइम ब्रांच के दरोगा निकले। इनसे पूछताछ जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अभी जब हिमंत बिश्व शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आसाम से कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि उन दोनों की जो मूवमेंट लगातार हो रहा था, यानी कि झारखंड सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन को जो ट्रैक करने का काम किया जा रहा था वो किसके आदेश पर किया जा रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने दोनों ही सब इंस्पेक्टरों को हिरासत में लिया। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हमें आदेश मिला है वो झारखंड सरकार में जो आईजी हैं उनकी तरफ से, प्रभात कुमार की तरफ से हम लोगों को आदेश मिला है कि चंपाई सोरेन जहां जहां जाएंगे आप लोगों को लगातार ट्रैक करना है। और ऐसा ये नहीं कि चंपाई सोरेन अभी दो दिन पहले दिल्ली के दौरे पर आए थे कि जब ही इनको किया गया है, यानी कि पिछले एक महीने से चंपाई सोरेन को वो लोग लगातार ट्रैक करने का काम कर रहे हैं। चंपाई सोरेन जहां जहां जाते हैं उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि पल पल का जो भी मूवमेंट हो रहा है वो पूरा झारखंड में बैठे आईजी प्रभात कुमार को दोनों क्राइम ब्रांच के जो सब इंस्पेक्टर उनकी तरफ दिया जा रहा है। जब उनसे दिल्ली पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया तो उन लोगों ने इस बात का वहां पर बयान भी दिया है और आगे दिल्ली पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन चंपाई सोरेन ने भी कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस को दी गई है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा कांड होने की संभावना जिस तरीके से उन्होंने जताई है उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत देर में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जो प्रकरण है उसका कहीं ना कहीं एक खुलासा करे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। और रांची से इस वक्त सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये बड़ा खुलासा किया है सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने, चांपाई सोरेन की जासूसी की बात उन्होंने कही है और सिर्फ इतना ही नहीं, दो दारोगा की गिरफ्तारी भी हुई है जिनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या पूरी जानकारी इस मामले पर? देखिए, लगातार झारखंड की राजनीति में चंपाई सोरेन का एक बड़ा नाम उभरता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर लगातार जिस तरह से चंपाई सोरेन कोलकाता और दिल्ली का दौरा कर रहे थे, इसके पूर्व में भी तो उनको लगातार जासूसी का जिस तरह से स्पेशल ब्रांच पर आरोप लगा है, वहां दिल्ली पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एक पत्रकार, बड़े चैनल का एक पत्रकार का भी नाम आ रहा है और उसको भी एक गिरफ्तार किया गया है। तो कई खुलासा उसे लेकर तीनों को, एक महिला भी उसमें शामिल है इस जासूसी में। जैसा जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा है उन्हें लाइव आकर ट्विटर पर उन्होंने खुलासा किया है, तो दिल्ली पुलिस तीनों लोग से पूछताछ कर रही है। यह बड़ी खबर झारखंड के लिए है कि चंपाई सोरेन जैसे ही बीजेपी में
कदम रखने जा रहे हैं। 30 अगस्त को सदस्यता ग्रहण करेंगे, उससे पहले ही उनके खिलाफ जासूसी की जा रही थी। जैसा दिल्ली पुलिस का कहना है कि झारखंड सरकार को यहाँ के जो दिल्ली जो चंपई सोरेन है उनकी गतिविधि पर जासूसी, जैसा असम के मुख्यमंत्री भी आरोप लगाए उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर। और दिल्ली पुलिस तीनों लोग से, एक महिला समेत तीनों लोगों से पूछताछ, एक पत्रकार का, बड़े चैनल का पत्रकार का, झारखंड का बड़ा चैनल है उसके पत्रकार का भी नाम आ रहा है, तो उसमें मामले में भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस जासूसी का कारण क्या था। पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस अब कुछ समय के बाद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसका खुलासा करेगी। बिल्कुल संतोष, देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।